अनीता जब 8 साल की थी तब उसके सिर से पिता का साया उठ गया। उसकी माँ पिछले 25 सालों से अधरंग का शिकार होने के बाद अपंग है, जो चल फिर सकने में असमर्थ है। वहीं उसकी एक बड़ी बहन है जो विवाहित हो चुकी है। अनीता के मामा ने अपनी भांजी को शिक्षित करने के लिए सब कुछ किया, पर उसे भी भगवान ने अपने पास बुला लिया। 70 वर्षीय अपनी माँ पुष्पा देवी की अपंगता पेंशन से 2 वक्त की रोटी जरूर उनके घर में बन रही है, लेकिन सिर ढकने के लिए 2 कमरे बनाए जाएं ये मुमकिन दिखता नहीं है। ये कहानी है ज्वालामुखी नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 की। वहाँ 20 वर्षीय अनीता बताती है कि उसके पिता ने उनकी अच्छी परवरिश के लिए वो सब कुछ किया जो एक पिता को करना चाहिए था। अचानक छोटी सी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। पापा ने घर बनाने के लिए 2 कमरों का काम जरूर शुरू किया था, जो अब खंडर बन चुका है, क्योंकि परिवार के पास कमरों के लिए छत बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पापा की मौत के बाद मामा ने उन्हें काबिल बनाने के लिए पढ़ाई का जिम्मा लिया और जरूरतें भी पूरी की, लेकिन अब उनके मामा भी नहीं रहे हैं। अनीता के अनुसार नगर परिषद ने उन्हें BPL में लेने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,65,000 रुपये मंजूर करवाए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि स्वीकृत धन तभी खाते में आएगा जब घर की नींव आदि भरी जाएगी, जिसके लिए उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। अनीता को डर है कि मई महीने में घर के लिए स्वीकृत धन घर का काम शुरू ना होने के चलते कहीं लैप्स ना हो जाए, इसलिए अनीता ने गुहार लगाई है। अनीता की मां की पेंशन जो शुरू में 500 रुपया हुई, उसके बाद बढ़कर 700 हुई और अब प्रदेश सरकार द्वारा इसे बढ़ाए जाने के बाद ये 1500 रुपये हुई है। 3 महीने की पेंशन इकट्ठी आती है, लेकिन जब पेंशन की अगली किस्त आती है तब पिछली खत्म हो जाती है। उन्होंने बताया कि कागज के लिफाफे वे बनाते हैं, उसे बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन घर कैसे बनेगा ये एक प्रश्न है। नमस्कार, मैं अनीता डॉक्टर ऑफ श्री प्रकाश चंद, वार्ड नंबर 1 जोड़ताल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी हूँ। श्रीमान जी, मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,65,000 की आर्थिक सहायता प्रदान हो रही है, जिसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। परंतु श्रीमान जी, इससे मेरा मकान बनना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। आज से 10 साल पहले मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी। जब मैं 8 साल की थी तो उनका साया मेरे सर से उठ चुका था और मेरी मम्मी पैरालाइज्ड हैं। आज से 21 साल पहले मेरे पापा ने इस मकान की नींव रखी थी, परंतु मम्मी के पैरालाइज होने पर वो सारा पैसा जो है वो मम्मी पे लग गया था, जिससे हमारा मकान नहीं बन पाया था। उसके बाद मेरे पापा को हार्ट अटैक, मतलब मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं होने लगी। उसके बाद पापा को 3 हार्ट अटैक के बाद मेरे पापा की डेथ हो गई। उसके बाद हमारा मतलब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, आज श्रीमान जी हमें एक आशा की किरण दिखाई दी है मकान से रिलेटेड। बस मेरा आपसे यही है कि आप मेरी मकान के तहत मेरी थोड़ी सहायता करें, जिससे मैं अपना मकान बना पाऊँ, क्योंकि श्रीमान जी मुझे 1 कमरे में रहना पड़ता है, जो कि भारी बारिश के कारण सारा पानी अंदर आ जाता है और जिसमें रात को सो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो बस मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप मेरी या तो रोजगार में सहायता करें या फिर आप मेरी मकान से रिलेटेड कुछ सहायता करें। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगी। धन्यवाद। इस परिवार का जायजा शिवसेना पंजाब हिमाचल कार्यकारिणी अध्यक्ष रंजीत दिम्हान ने लिया। उनकी स्थिति से सबको रूबरू करवाया और परिवार की मदद के लिए प्रशासन व सरकार से गुहार लगाई, ताकि परिवार को छत नसीब हो सके। बेटी को भी रोजगार मुहैया करवाने की उनने अपील की है। और ये बच्ची कंप्यूटर कोर्स किए हुए है, +2 कंप्यूटर से की है। मैं सरकार से इस बात का भी आग्रह करूंगा कि छोटा मोटा कोई रोजगार इस बच्चे के लिए कहीं से भी मुहैया करवाया जाए, ताकि ये बच्चा अपनी माँ की दवाइयों का खर्चा, अपनी फीस का खर्चा उठा सके और ये अपना जीवन सही से गुजार सके। और कहीं से भी आर्थिक सहायता अगर होती है, मैं मुख्यमंत्री महोदय से बार बार ये आग्रह करूँगा कि इस बच्ची के लिए कुछ ना कुछ सहायता कहीं से भी करें। इसका मकान 2 कमरे कम से कम इसके लिए बनवाए जाएं।